टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 21.1 ऑफ चैप्टर वन। चैप्टर गुड इवनिंग सर। 21, गुड इवनिंग बेटा। 21 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्लास 10 फॉर आईसीएसई फ्रॉम एम एल अग्रवाल। फर्स्ट 10 सम्स वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। मार्क्स पीडीएफ बच्चे मैंने ऑलरेडी उसमें ग्रुप में भेजा हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स इन ए शॉर्ट असेसमेंट इज गिवन बिलो। वेयर ए एंड बी आर टू मिसिंग डाटा। इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.2, मीन इज गिवन हाउ मच? दैट इज गिवन 7.2। हमें 7.2 गिवन है। मार्क्स दैट इज क्लास मार्क्स और मार्क्स दैट इज द सेम थिंग। तो यहां पे सबसे पहले एक्स आई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई दैट इज 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर द फ्रीक्वेंसी 6, 8। सिक्सटीन थर्टीन एंड बी। दीज आर, एक मिनट, वो बच्चे ना ज्वाइन कर रहे हैं। दिस वन, यस। अनिका, यस सर। अब मेन हमें गिवन है एक्स बार, दैट इज गिवन 7.2। हाउ वी यस कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? सर, हम पहले इसकी वो बनाएंगे इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? सर। आपने वीडियो एफ आई देखी? को ऐड करेंगे सारे को एंड एफ आई का एक्स आई एडिशन को एफ हमें आई 40 करेंगे गिवन है। 40 स्टूडेंट्स सर। आर तो देयर, 40 गिवन है। सर जो हम इसे ऐड करेंगे जब 16 प्लस 13 प्लस 6 प्लस a प्लस b इक्वल्स 40। वो बाद में कर लेंगे। हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें पहले तो ये बताओ। सर डायरेक्ट यस, कल भी मैंने बताया था, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर देयर एट दैट टाइम यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टू फाइंड द मीन। डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई, फर्स्ट एक्स आई टर्म थर्टी दैट इज 30, सेकेंड टर्म, तो सिक्स ए इसको थोड़ा साइड पे लिखना है क्योंकि 6 कल भी बताया था कि बीच में ऐड हो जाता है अगर यहीं यहीं पे लिख देंगे। कल किसने ऐड किया था? कल किसने ऐड किया था? ये जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। बच्चे मैं फिर से भेज रहा हूँ लिंक। वेरिएबल शार्क वाई, वेरिएबल वर्क के सामने वाले को ए कैसे मानेंगे? 6 into a 6 a, 7 6 are 42, 4 7 4 11, 8 3 are 24, 2 carry, 10 8 to 10, 9 b साइड पे। तो यहां पे इसका एडिशन क्या आएगा? 6
फोर 246 प्लस 6a प्लस 9b, ओके? नाउ यस सर। एक्स बार में डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था टू फाइंड द मीन? सर एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये शार्थ आप मैसेज लिखना बंद कर दीजिए बच्चे, आई एम डिस्टर्ब्ड, सारे डिस्टर्ब होते हैं, आप बोल के भी बोल सकते हो ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 7.2 इज देयर। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज दिस वन 246 प्लस 6a प्लस 9b अपॉन सिग्मा एफ आई इज गिवन 40 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 7.2। 246 प्लस 6a प्लस 9b 4 2 8 7 4 28 288.0 288 आ जाएगा। 6a प्लस 9b 288 246 बिकम माइनस ऑन दैट साइड। 6a प्लस 9b वी गेट 8 माइनस 6 2 8 माइनस 4 4 42। अब यहां पे बच्चे देखो 6 9 एंड 42 3 इज कॉमन, तो कॉमन जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इजी, तो कैलकुलेशन उतना ज्यादा इजी रहेगा हमारे पास। 2a प्लस 3b इज 42 अपॉन 3, 3 से कट हो रहा है 14। व्हाट वी गेट? 2a प्लस 3b इज 14। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सम ऑफ दीज टर्म्स एफ आई 16 6 22 22 13 35। नाउ सिग्मा एफ आई इज गिवन 40, सिग्मा एफ आई इज 35 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 40। व्हाट वी गेट? ए प्लस बी इज 40 माइनस 35 वी गेट 5। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इसके नीचे बच्चे 2a प्लस 3b इज 14। नाउ यू कैन सॉल्व एलिमिनेशन मेथड, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। यस सर। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको एलिमिनेशन मेथड और यू कैन से बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड नहीं आता? सबको आता है? प्रगति, पीयूष, यस यशवी, सर। यस सर। श्योर, मोगली? यस सर। नाउ अब हम आ गए हैं बच्चे नेक्स्ट सम पे। जो फर्स्ट 11 सम्स हमने किए हैं उसमें या तो नाइन्थ वाला मेथड यूज हुआ था मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ क्लास इंटरवल आर देयर, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल इज गिवन हियर। जहां पे जैसे एक्स आई गिवन था ना, क्लास मार्क्स ऑलरेडी गिवन होते थे, बट हियर क्लास इंटरवल आते हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फाइंड द मीन। कोई मेथड नहीं बोला उन्होंने, देन वी कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड। तो हियर क्वेश्चन नंबर 12, क्लास इंटरवल इज गिवन, दैट इज 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, दीज आर गिवन। तो यहां पे अवंतिका यस सर।
जब भी हमें क्लास इंटरवल गिवन हो तो हाउ वी कैन फाइंड द एक्स आई, हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्स आई. एक्स आई इज क्लास मार्क्स, और वी कैन से मिड वैल्यू. हाउ वी कैन फाइंड अवंतिका? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय टू। यस, वेरी गुड. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू. 5 प्लस 15 20, 20 अपॉन 2 10, 15 प्लस 25 40, 40 अपॉन 2 20, 50 अपॉन 2 सॉरी 60 अपॉन 2 30, नेक्स्ट वन 40 आ जाएगा, उसके बाद 50 आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी इज गिवन Fi 26484. तो अवंतिका, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे? मान लो ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन आपको, तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन? मेथड डायरेक्ट, बिकॉज व्हाई? वाई? वैल्यूज वैल्यूज आर टू स्मॉल दैट वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई. तो यहां पे डायरेक्ट मेथड के लिए वी हैव टू फाइंड एफ आई एक्स आई. फर्स्ट टर्म अवंतिका, आपकी टर्न है तो आपने ही बोलना है. ट्वेंटी सेकेंड 120 120. थर्ड 34 जा 120. 84 आर 320 32 320 200 एंड 200. एड ऑल दिस 0 8 गुड इवनिंग 255 2. सर। गुड इवनिंग बेटा. एड दिस, व्हाट वी गेट? 8 8 4 12 12 8 20 24. नाउ अवंतिका, मैं तो मेथड ही भूल, फॉर्मूला ही भूल गया डायरेक्ट मेथड का. समेशन एफ आई एक्स है अपॉन समेशन एफ आई। यस, सिग्मा और सम्मीशन एफ आई. सिग्मा एफ आई एक्स आई 780 अपॉन 24. फोर के टेबल पे कट हो रहा है, फोर के टेबल पे हो रहा है, 12 के टेबल पे भी हो रहा है. 12 2 12, या सीधा 24 के टेबल पे नहीं कट हो सकता? तो 32.5 है पक्का पक्का? सर। 12 2 12 6 60 नहीं, 12 7 12 6 72 होता है ना? 72 सर 60 65 5 यस सर 32.5। यस, दिस इज आवर आंसर. अब डायरेक्ट मेथड मतलब जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो और वी हैव टू फाइंड द मीन एट दैट टाइम, वी हैव ऑलरेडी फाइंड एक्स आई. कंपल्सरी है कि एक्स आई फाइंड करना ही पड़ेगा. और एक्स आई किसके इक्वल होता है? लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 15, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, वी गेट 10. सेम वे 20, दोनों का एडिशन, लोअर लिमिट 15 प्लस 25 40, 40 अपॉन 2 20, एंड सो ऑन. कोई डाउट बेटा इसमें? एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। श्योर सर यशवी, आपने सम किए थे फर्स्ट एंड यस सर सम्स? श्योर? यस सर कोई यस यहाँ पे सर ऐसा स्टूडेंट है जिसने नहीं किए अभी तक फर्स्ट एंड सम्स? सर मैंने ही किया, क्यों? तभी एग्जाम्स चल रहे थे तो इसलिए बिजी था मैं। चलो, एग्जाम तो चलती रहेंगे बेटा. हाँ सर मेरे नाउ प्रैक्टिकल्स थे सर, इसलिए मैंने नहीं किए। कोई बात, अच्छी बात है, कल को मेरे को मत बोलना कि मार्क्स नहीं आए. अरे नहीं सर, 2 दिन में हो जाएंगे सर, फिर से मैं फॉलोअप कर लूंगा। आज का यस सर 12th सम, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कोई मेथड प्रॉपर इन्होंने मेंशन नहीं किया ना, तो इस सम को आप कौन से मेथड से ट्राई करोगे? पहले तो मुझे मेथड सर बताइए. नहीं, डायरेक्ट से लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्स आई फाइंड करेंगे ना तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 नहीं हो जाएगा ये तो कर ही लिया. सॉरी, नेक्स्ट वन. सर
थर्टींथ, 12th तो हो चुका है, 13th, 13th सामने। ट्वेंटी फाइव आएगा यहाँ पे, 25 यहाँ, 35 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उनको रफ वर्क में। आज का यस और नो? सर, शॉर्टकट मेथड। चलो आप मुझे शॉर्टकट मेथड से करवाओगे ये सम? ओके सर। अब तो ये नहीं बोल सकते कि हमने किया नहीं, अब तो किया हुआ है। यस सर। आवाज धीमी हो जाती है ना जब क्वेश्चन पूछते हैं, है ना आज का? नो सर। नहीं, जोर से चिल्लाया करो, घर वालों को पता चले कि ओके सर। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे या रील्स नहीं देख रहे हैं। यहाँ 6 डाला हुआ है, 60 आएगा लास्ट पे। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे आज का? सर फर्स्ट विल फाइंड एक्स आई, दैट इज कॉल्ड क्लास क्लास इंटरवल। मार्क, सॉरी, यस मार्क्स। सर। फाइव तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 15। 5। सेकंड टर्म, थर्ड 25। टर्म, फोर्थ, फिफ्थ 35। 45। एंड द लास्ट वन इज 55। 55। बहुत। नाउ एफ आई इज गिवन 8, 5, 12, 35, 24, 16। देखो अभी डायरेक्ट यूज करते तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इनको रफ वर्क में, इसको इसको, है ना? तो इससे बचने के लिए डीआई, शॉर्टकट मेथड में डीआई किसके इक्वल होता है? सर x-a। एक्स आई माइनस ए। ए किस कहां से लेट करेंगे हम? फ्रॉम वेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ ए? सर x-i। थ्री थ्री सिक्स टर्म्स आर देयर, विच टर्म आई कैन टेक एज ए? सर 35। चाहे बच्चे 25 को ले लो, चाहे 35 को। आपने 35 बोला है तो हम 35 को ही लेंगे। तो फर्स्ट टर्म 5 माइनस 35, -30। यहाँ पे -30। 15 माइनस 35 -20। -20। नेक्स्ट वन -10। -10। जीरो, नेक्स्ट, 10, 20। वेरी गुड। असर हो रहा है मेरा? यस सर। हाँ जी। नाउ FIDI। अब देखो, 8 3 24, साथ में 0, -240। 5 2 10, साथ में 0, -100, -120। कितना इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। 0 240, 16 2 32, 320। इन तीनों टर्म्स को ऐड करो, 0 4 सॉरी 6, 4 2 6 4 60, -460। इन दोनों को ऐड करो, 0 6 5 60। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके इन दोनों को? आशका, सर 100। हाँ जी, FI का सम 8 5 13 to 15 5 20 20 10 30 3 carry 4 3 7 to 9 1 10 100। यस, ये भी 100 आ गया, ये भी 100। नाउ मीन फॉर्मूला बच्चे, सर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए द वैल्यू ऑफ ए इज हियर 35। 35 प्लस FIDI 100, एंड FI इज आल्सो 100। 100 100 कैंसल, व्हाट वी गेट? 35, 36, यस, 36, 36। 36
6, मैंने जानबूझ के 1 ही डाला था और वही गलती की, 35 है ना, ये तो कट गया, वो 1 तो आएगा ना उसका। यस सर, कोई ऐसा स्टूडेंट बेटा इसको जिसको ना समझ आया हो, ये आ गया बच्चे सबको। यस सर, मोटोरोला मोटो G34 से किसने ज्वाइन किया है बेटा? किसी ने मोटोरोला के फोन से ज्वाइन किया है, अपना नेम नहीं डाला। हु इज दैट वन, बोलो बच्चे। नहीं बोलना, गलत बात। चलो कल से अपने नाम से ज्वाइन करना है बेटा, आदर्श। ओके, बोलने में शर्म आ रही है दर्श? आदर्श, बोलते होते हैं बेटा। चलो कोई बात। नाउ द नेक्स्ट सम आदित्य। यस सर। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन। अब यहां पे मेंशन कर दिया उन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड मेथड, तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो हमारे सम पे क्रॉस लग जाएगा, हमें 0 मार्क्स मिलेगा। समझे यस सर, बच्चे? 14। यस सर। कैलकुलेट द मीन, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, दीज आर गिवन। तो सबसे पहले आदित्य क्या फाइंड करेंगे हम? एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, व्हाट वी गेट? फाइव फिफ्टीन सेकंड टर्म, थर्ड, 25 35 45 55। यस। Fi इज गिवन 0, 9, 25। क्या टेन सर, 10 10? अच्छा, सर, फर्स्ट टर्म 10 है उसमें, FI में। मेरी बुक में 10 0 दिया और दे रखा है। 30 मिसप्रिंट है, 30, 16 एंड 10। स्टेप डेविएशन मेथड, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। क्या था फॉर्मूला? सर ए प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इनटू इनटू H सर। वेरी गुड। यूआई, यूआई किसके इक्वल होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच हियर? व्हाट सर इज द वैल्यू ऑफ एच हियर? एच इक्वल्स टू सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सर, टेन। या एक्स आई में से ही फाइंड कर सकते हैं, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, पर से मतलब सक्सीडिंग टर्म से प्रसीडिंग टर्म माइनस करके, या 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10 एंड सो ऑन। तो एच की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है। ए कहाँ से लेट करेंगे हम? सर एक्स आई में से सर एक्स आई में से 3, 3, 6 टर्म्स आ दिए। पहले मैं 20 35 को लिया था, मैं 25 को ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट सर, टर्म क्या आएगी? सर 5 माइनस 25 अपॉन 10, 5 माइनस 25 इज -20, अपॉन 10 20 माइनस 2। -1, 0, 1, 2, 3 करके देख लो कैलकुलेट, यही आएगा। अब Fi UI UI सो माइनस -20, माइनस 9 0 30 32 30।
माइनस का 29, 92, प्लस का 12 माइनस 9, 3, 8 माइनस 2, 6, 63 वी गेट, एंड द सम ऑफ एफ आई इज 9, 5, 14। आदर्श बच्चे मैं ऐसे लिखना बंद कर दीजिए, 9, 5, 14, 6, 20, टू कैरी, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10। आदर्श आपने वीडियो देखा था? जी आदर्श वीडियो देखा था बच्चे आपने? आई थिंक सो। नहीं देखा मैंने ना, सबको वीडियो भेजा है न्यू स्टूडेंट्स को, कि पहले वो अच्छे से देख लेना, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। पहले आप वो वीडियो देखना, ठीक है? उसके बाद आपको सब सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे हमारा सिलेबस नहीं होगा जैसे आप कर रहे हो। FI 100, H की इन वैल्यू 10, सेटेंड 0 इज कैंसल, 25 प्लस 6.3 31.3 इज अवर आंसर। अब तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी एक सम कर लिया हमने, शॉर्टकट मेथड से भी कर लिया, स्टेप डेविएशन से भी कर लिया। अब जो भी सम आएंगे, मैं कोई भी नहीं करवाऊंगा, वो आप अपने आप करोगे। देखिए, हाँ जी, सर यहाँ पे σFI19 ही आएगा। एडिशन गलत है। 9, 5, 14, 6, 20, 2 कैरी, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10 सर आएगा, 100 ही आ रहा है बेटा। एडिशन 0 नहीं है ना, वो 10 है। ओके ठीक है, सर 10 कर लेना उसको, मिसप्रिंट था बुक में, दैट्स वाई। पढ़े सर आज मेरा पीटीएम था सर। चांटे ए नहीं सर आपको फोटो भेजा, देखो सर क्या? आपके व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है सर, देखो डांट पड़ने का? नहीं सर आप देखो सर एक बार। झूठ है। तूने ना किसी अपने फ्रेंड से वो ले लिया पक्का। सर आप मेरा हाथ का कलर देख सकते हो सर, लिटरली हाथ का कलर कैसे? या मैं वा सर 1 मिनट रुको सर बड़े गंदे हाथ के। सर चलो मैथ में 94 सर। समय। हाँ सर सर एपी में 2 चले गए और इसमें सर प्रोबेबिलिटी में 1, एमसीक्यूज में 1 और फिर इसमें सर जीपी में 2। चलो हो गई बातें, आगे करें। हाँ सर अल्फिशा बच्चे, तीनों मेथड से सबको समझ आ गया, आदर्श को छोड़ के, क्योंकि आदर्श ने वीडियो नहीं देखी अभी तक। खाना आदर्श बोल, पर कि मम्मा ने बोला कि बोलना नहीं है। है सर आदर्श? मैं है आदर्श? नहीं बोलना, गलत बात है यार। नाउ, सर हाँ जी, सर एक क्वेश्चन में दो मेथड नहीं लग सकते, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन अपने सर्कल में भी आते हैं उसमें भी लगते हैं। इसमें जब बच्चे देखो, ये है ना, यहाँ पे क्या बोला है, मीन, तो यहाँ पे तीनों में से कोई मर्जी मेथड यूज कर लो, यस सर एक पर करना ही एक ही है। ये नहीं है कि दो मेथड से अलग अलग सॉल्व करना शुरू कर दो, टाइम नहीं होता हमारे पास इतना। यस यहाँ पे सर लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन से ही करना पड़ेगा, और किसी मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, ओके फिफ्टीन सर ओके सर सम, द डाटा ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग अ हॉस्पिटल इन अ मंथ इज गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज। एवरेज मतलब मीन, चाहे एवरेज डाला हो, चाहे अरिथमेटिक मीन डाला हो, चाहे मीन डाला हो, दैट इज द सेम थिंग, एक ही चीज के तीन नाम है। नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल इन ए मंथ यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, तो हमें शॉर्टकट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अगर हम कोई और मेथड यूज करते हैं तो हमारा सम क्रॉस एंड वी विल स्कोर 0 मार्क्स, अंडा मिलेगा हमें फिर। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि अज्यूम मीन एज 45, मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ ए।
एक ही वैल्यू को 45 लेट करना है, और कोई नहीं लेट करना। अंडरस्टूड? कर लोगे कि करूं यस पीछे में ये सर। सम हो जाएगा? टू डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, कर लोगे सारे के सारे बच्चे? एंजल, हाँ यस, जी, अवंतिका, खुशी, माशा, मौली, प्रगति, यस सर, संस्कृति, तनु यस सर, एंड तरनजीत। तरनजीत, बच्चे बोलो यार, गलत बात है। यस हाँ, अब ऐसे बोला करो। ओके सर। द फॉलोइंग टेबल गिव द डेली वेजेस ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री। वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर, दिस इज क्लास इंटरवल, एक्सआई फाइंड करेंगे हम। इसमें डेसिमल में आएगा एक्सआई, वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी। कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, मैंने हाईलाइट कर दिया वो। चलो, मुझे शॉर्टकट मेथड आता है ना आप सबको, यस तो सर, ये सम हम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या डेसिमल में आएंगी वैल्यूज, दैट्स व्हाई सेक्शन सम आई कैन एक्सप्लेन। वेजेस, दैट इज अ क्लास इंटरवल, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, दीज आर गिवन। एक्स आई वी हैव टू फाइंड, 45 प्लस 15, 95/2, 47.5, 105/2, 102, सॉरी 52.,52.5 57.5, 62.5, 67.5, 72.5 एंड 77.5। अब इसमें डायरेक्ट मेथड देखो, ये अगर लगाना हो तो कितना बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एफ आई इज गिवन 5, 8, 30, 25, 14, 12 एंड 6, दीज आर गिवन एफ आई। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे डी आई। एक मिनट, मैं प्रगति, डी आई किसके इक्वल होता है, सर, एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए ये किसको एज्यूम करें, 62.5 3, 3, 6, 7 टर्म्स हैं, तो ये बेटर रहेगा। वैसे हम ए किसी भी टर्म को ले सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 67.5 माइनस 62.5, सो व्हाट, फर्स्ट टर्म क्या आएगी सो बेटा, नहीं, 1 कैसे आ जाएगी बेटा, वन, सर आई एम आस्किंग 1 मिनट सर, सर इट्स 5.0, सर इट्स 5, 47.5 माइनस 62.5 सॉरी सर, सॉरी सर, -15 विल बी देयर। सॉरी सर, बाय मिस्टेक आई 52.5 माइनस 62.5, सर, इट्स -10.0, सर -10 -5, 0, 5, 10, 50। सर, नाउ वी हैव टू फाइंड एफ आई डी आई। 15 5s are 75, -75 80 माइनस -150 सर, जी 0, 70, 120 एंड 9, 9 इन तीनों को ऐड करो, 5, 7, 8, 15, 5, 20, 2 कैरी, 3, -305। इन तीनों को ऐड करो, 0, 7, 2, 9, 9, 18, 1 कैरी, 2, 80, 5, 10 माइनस 8, 2, -25 इज सम। व्हाट इज द सम ऑफ दीज, 5, 8, 13, 13, 5, 18, 4, 22, 22, 8, 30, 3 कैरी, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 100 ही आ रहा है इसमें। प्रगति, 700 फॉर्मूला,
सर ऑफ शॉर्टकट मैथ द फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। वेरी गुड, वैल्यू ऑफ ए इज 62.5, एफ आई डी आई -25 अपॉन एफ आई इज 100 100, प्लस माइनस माइनस 25/100 0.25। पीयूष 2.5 आएगा कि 0.25 आएगा? पीयूष 5.25। पक्का? यस सर। इसमें से ये माइनस करो तो 61.25 आ जाए। माइनस करना आता है ना, यस सर। 62.5 के पीछे जीरो डाल देंगे क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। माइनस करेंगे तो वी गेट दिस वन, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गए बच्चे सबको? यस श्योर? यस सर यस सर। चलो हाँ, नेक्स्ट सर वन। हाँ 62.25 ओ सॉरी 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 सॉरी, माशा तू ना होती तो मेरा क्या बनता है? दीज आर द माइनर मिस्टेक्स, किसी ने नोट डाउन नहीं किया, सिर्फ माशा ने नोट डाउन किया कि सर ने मिस्टेक की है। नहीं सर, सॉरी मैं बोलेगा, मैंने कर पर लिया था पर मैंने बोला नहीं, है ना? नहीं सर, मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा था। हाँ तो चेक कर रहा था। चलो माशा मेरे जैसी है, मैं भी क्लास में ऐसे ही करता होता था, टीचर की गलतियां ढूंढता रहता था। नहीं सर, मैंने सॉल्व किया तो मेरा आ रहा नहीं था नहीं सर। सही है, मैं भी ऐसे, मैंने क्या बोला है, मैं तेरे जैसा ही था, बता देता था टीचर को और कोई नहीं बोलता था क्लास में। अच्छी बात है। कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का यूज करना है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। मैं ये सम हाफ करवाऊंगा, हाफ आप अपने आप करोगे। 17 सम, क्लास इंटरवल इज गिवन 11 to 20, 30, 1 सेकेंड का मैं आया। समृद्धि, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई हियर? सर 11 प्लस 20 बाय 2 दैट इज सर 1.05। 1.05, 10.5, 30। यस सर 10.5। यस सर क्या हो गया समृद्धि, तुमने यस मैथ सर छोड़ छोड़ दिया था? नो सर नो सर 11 प्लस 21, 31/2, 31/2 10.5 10.5। ये 10 ऐसे लिखने लग गए हैं ना समृद्धि? नो सर 15.5। ओके समझे यस सर बच्चे? सेकेंड 51.25.5, 35.5, 45.5। थोड़ा ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन है बच्चे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यस सर क्या गला खराब है? यस सर आइसक्रीम अकेले खाई थी नहीं सर और क्या खाया था? हैं? कि उसमें हाँ जी बेटा, सर मुझे ये पूछना था, यहाँ पे क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग उसमें भी वही मेथड लगाएंगे जो हमने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में लगाया था। हाँ जी लगाएंगे।
देखो सर, ये कंटिन्यूअस नहीं है, मीडियन एंड मोड में इसका फर्क पड़ेगा, बट जब हमने मीन फाइंड करना है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ओके, नो ओके सर, चेंज। समृद्धि, डीआई किसके इक्वल होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए 45 एक्स आई माइनस ए। एक्स आई किसको ऐड करें हम? पॉइंट 3, 3, 6, 7 टर्म्स हैं। ए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। फर्स्ट टर्म सर 45.5, सॉरी 15.5 माइनस 45.5, दैट इज व्हाट वी गेट, सर 30.5, सर देख लो समृद्धि। -30.5, 30.0, -30.0, और वी कैन से -30। दिस यस माइनस सर, दिस -20, -10, 0, 10, 20, एंड द लास्ट वन इज 30। FIDI -60, -120, -100, 12, हाय हाय, सॉरी सर, 0 0 0 0, वेरी गुड वेरी गुड समृद्धि। मुझे ना तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। -280, जीरो, 9 4 13 2 15, 350 माइनस दे 17। ठीक है बच्चे, एफ यस सर, सर आई 2 6 8 10 19 7 ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स 4 33 2 5। अब तो हो जाएगा ये, क्या करूं? लेंगे सर, फोर्टी वी सिक्स पॉइंट नाइन विल डू, अब एक चीज और, मुझे कौन बताएगा? एक सेकेंड, जस्ट वेट। हम पूछते हैं संस्कृति से। संस्कृति, ओके अगर इसको हमने स्टेप डेविएशन मेथड से करना हो, यहाँ तो सर, शॉर्टकट मेथड यूज किया, अगर स्टेप डेविएशन मेथड से करना होता तो हम एच की वैल्यू क्या लेते? एच मतलब क्लास साइज की वैल्यू क्या होती? कौन 10। बट यहाँ तो 20 -11 9 आ रहा है। लेंगे ना, हाँ, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा बच्चे। अब क्योंकि ओहो, इतना श्योर? घर वालों को बाहर निकाल दो कि पढ़ने नहीं दे रहे। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना अवंतिका, आपने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से कि ये कॉन्टिन्यूज नहीं है। यस सर, अगर डायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है या शॉर्टकट मेथड यूज हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज हो रहा है, हम एच की वैल्यू यहां से ले लें तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां से लेनी है बेटा 25.5 -15.5। अंडरस्टूड? सबको पता चल गया बेटा कि एच की वैल्यू 10 क्यों लेनी है यहाँ पे? क्योंकि यस सर, ये कॉन्टिन्यूज यस नहीं है। या तो इसको कॉन्टिन्यूज करो, एडजस्टमेंट फैक्टर 9th में किया था 0.5, इसमें से -0.5 वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी क्यों करना हमें? दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे नहीं किया उसको चेंज। अंडरस्टूड? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन यस सर, सिग्मा एफ आई। वैल्यू ऑफ ए इज 45.5, एफ आई डी आई 70, एफ आई 50। 45.5 प्लस 1.2 ऐड किया, 46.7, दैट इज आवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? सर 1.4 आएगा। यस सर, ओ सॉरी 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 सॉरी, 46.9। हाँ जी एंजल, समझ आ गया बच्चे? यस सर,
जेमी यस जेमी, यस सर। खुशी खुशी कहाँ चली गई? इधर सर मैं इधर ही हूँ। ही है, कहाँ? मुझे तो दिख नहीं रही है। प्रगति, तनु, संस्कृति, यशवी, पक्का? यस सर समझ आ गया सर। एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चंस आएंगे ना बोर्ड्स में। मैंने नहीं डाला बेटा एग्जाम, मैंने डाला होता तो बता देता। अभी बच्चे किसी ने ज्वाइन किया है, हु इज दैट वन? 9888 से ज्वाइन किया बेटा, किसने ज्वाइन किया है? पॉइंट्रीला। अच्छा, अभी आप इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो, बोलो, बोल के बता दो बच्चे। और अपने नेम से ज्वाइन करना है कल से, नंबर से ज्वाइन नहीं करना, मुझे पता चले कि कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है? ओके बच्चे। हाँ ओके सर। सर जी, पूछो। एक बात पूछनी थी सर। जैसे कि मैथ्स में हम थोड़े वीक हैं तो हमें प्री बोर्ड भी थोड़े जल्दी आ रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो मतलब उन्हें करके भी थोड़ा अच्छा पहले स्कोर आ मुझे ये सके। सर बता, तूने रेगुलर क्लास लगानी क्यों छोड़ी थी? क्वार्टरली मैंने इसलिए छोड़ी थी, क्वार्टरली चल रहे थे मेरे 15 से 20 चल रहे दिन थे, अच्छा, तो इसलिए फिर छोड़ आप दो, फीस ना देनी पड़े, है ना? नहीं सर फीस की दिक्कत नहीं थी, क्वार्टरली और क्या थी फिर? तभी चल रहे थे फिर यूनिट टेस्ट थे तो तभी मैथ मैंने। वीक है तेरा फिर, दैट्स क्या सर द रीजन, तभी तो मैथ वीक है। क्वार्टरली तो चलती रहेंगी, समझे? अभी यस भी सर कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है? क्वार्टरली के मार्क्स नहीं ऐड होंगे फाइनल में, फाइनल यस सर के मार्क्स फाइनल के होंगे। स्कूल वाले जो असेसमेंट भेजते हैं वो फुली भेजते होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ओके सर इसलिए अपना जो रिवीजन अभी चल रही है ना उस पर ध्यान दो, ओके सर। ये नहीं है कि क्वार्टरली आ गई छोड़ दो क्लास। सर आप सिर्फ ML अग्रवाल से कराओगे कि तीनों बुक से? सर कोशिश मेरी है कि बाकी बुक्स में से भी हो जाए, बट टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम हमारे पास कम है ना। सेलिना सेरिना यूज कर सकते हैं सर। भी कर सकते हैं, बट वो मैंने ऑलमोस्ट करवाई हुई है। सेलेना से जीती नहीं हुआ है। हाँ कुछ नहीं होता, सर कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ देखो बेटा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, क्योंकि एक बुक में से हो गया ना तो दूसरी बुक में से तो बहुत इजी होता है कुछ भी करना, क्योंकि सारे सम वही सेम टाइप के होते हैं। इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये चैप्टर हम कर रहे हैं, अभी ये इस मैं सलीना से उठा लूँ तो एक दिन में हो जाएगा सारा चैप्टर, समझे? मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्यों सलीना से इतनी जल्दी हो जाएगा? जल्दी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं सारे सम नहीं करवाऊंगा ना। मान लो जिस टाइप का सम कोई आ गया तो मैं छुड़वाऊंगा ही ना, तो मैंने अभी जॉइन किया। हाँ समझे? सेम टाइप सेम क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज डिफरेंट हो और मेथड सेम हो तो बच्चे कोई वो तो नहीं होता ना, कर सकते हैं ना हम इजीली। अ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कल हमने ये सम किया था एफ वाला, वहां पे एक्स आई गिवन था, बस यहाँ पे एक्स आई फाइंड कर लेना है। कर लोगे ये? यस सर ट्वेंटी यस सर यस सर द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, अननोन फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है, हो जाएगा? यस सर यस यस सर 21st सम, आज हमने एक सम किया था ए एंड बी वाला, सेम उस टाइप का है पी एंड क्यू की टर्म में। चलो ये सम करते हैं, ये मुझे कौन करवाएगा? एक मिनट। मोगली, यस सर तूने ग्रुप क्यों छोड़ा पहले तो ये बता मुझे, है? कोर्स, सर वो क्लास क्या क्लास नहीं कोर्स? हो रही थी तो सर फिर क्या हो गया? क्लास नहीं हो क्लास रही थी नहीं। तो मैंने कौन सा फीस मांगी थी, है?
हाँ जी, एक्स आई किसके इक्वल में उगली? वो सर बोलो बेटा, टेल मी फास्ट। आई डोंट नो। नो तरनजीत करवा देता हूँ मुझसे। मैसेज ना वो करा करो, बोल के बोल दिया करो। मम्मा ने मना किया है तरनजीत कि बोलना नहीं है, किसी को आवाज ना सुन जाए नहीं तेरी। फिर 10, 30 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है मोगली? 50, सर, ओके सर। 70, 90 एंड 110। Fi 7, P 12, Q 8, 5। कल मैंने क्या बताया था? जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो कौन सा मेथड यूज करना है? बोलो मोगली। डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड, Fi Xi। 10 7s are 70। 30 P थोड़ा साइड पे लिखना कि 30s में ऐड ना हो जाए। 12 5s are 600। 70 Q साइड पे लिखना है। 9 8s are 72। 550 एड दिस 0 7 2 9 5 14। 7 7 14 5 90 प्लस 30 P प्लस 70 K। इसको Fi को भी यही पे ऐड कर लो। 7 12 19 8 27 5 32 प्लस P प्लस Q। ठीक है बच्चे, ऐड कर दिया। नाउ यस सर, 2 2 4 0 आएगा। क्या सर 2 2 4 0 आएगा ना। यहाँ पे? यस सर। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। 0 7 2 9 5 14 1 7 7 14 5। कैसे आएगा 2 2 4 0? बता कैसे आएगा। हाँ यस सर, 99। मीन इज गिवन हियर, मीन 57.6 गिवन। एक्स बार फॉर्मूला क्या होता है मोगली डायरेक्ट मेथड में? जल्दी बोलो। सर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 57.6 सिग्मा एफ आई एक्स आई इज दिस वन। 1940 प्लस 30 P प्लस 70 Q अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन। 50 इज गिवन, यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50। 57.6 1940 प्लस 30 P प्लस 70 Q। 5 से मल्टीप्लाई करो। 6 5s are 30, 3 कैरी। 35 3 38, 3 कैरी। 25 3 28, ये आ जाएगा 2 8 8 0। 35 38 3 35 0, ठीक है। 30 P प्लस 70 Q 2 8 8 0। 1 9 4 0 उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस। अब एक काम करो, यहां से 10 कॉमन ले लो। 3 P प्लस 7 Q 0 8 माइनस 4 4 18 माइनस 9 नाइन9। फोर्टी तो 3 P प्लस 7 Q क्या आ जाएगा बच्चे? 940 अपॉन 10। 94 हाँ, 0 से 0 कैंसल, 94। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिग्मा एफ आई इज गिवन 50 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ आई यहां से कितना आया था हमारे पास? ये रहा 32 प्लस पी प्लस क्यू। इज इक्वल टू 50। पी प्लस क्यू वी गेट 50 माइनस 32। पी प्लस क्यू वी गेट 18। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। 3 P प्लस 7 Q इज 94, फर्स्ट इक्वेशन।
इसको बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो, पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड कर लोगे, लिमिट। यस सर, यस सर कर लेंगे। हाँ हाँ सर, जी बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ जी निमित। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी यस सर, तरन, करवा सर क्वेश्चन नंबर 20। देता हूँ बेटा, मैं करवा देता हूँ। ओके निमित, सर, टाइम क्या हो गया बच्चे? बाहर सर थोड़ा बाहर चले गए, नंबर भी बाहर चले जाएंगे। सॉरी सर। मैं क्या क्या कर रही है आजकल? मैं क्या कर रही है? ट्वेल्थ निमित में 12th यस में है, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? पढ़ती 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 नहीं पढ़ती है यस है। चलो सर। 20th सम बेटा। तरन यस सर, आप ही करवाओगे मुझे, ठीक है? ठीक है सर। क्लास इंटरवल 0 to 20, 22 to 40, ट्वेंटी 0 to 10 में बच्चे वो 19 सम है। है। ओके हाँ, ये देखो 20th सम ये रहा ना, 0 to 10 है कि 20 है? आपने यही यही करना है। फिर सर मुझे 20 ने 19 लिखना था, गलत ही बोल चल दिया मैंने। कोई बात नहीं। क्लास इंटरवल 0 to 10। एंजल जी, एंजल एंजल एंजल, एंजल मैंने हाँ आपको बोला, किससे बातें कर रही है? सर, थोड़ा आज नेटवर्क इशू हो रहा है, वाईफाई काम। नहीं मैसेज लिखा है तूने अभी, ओके। अच्छा इसलिए लिखा था। XI। हाँ जी तरन, फर्स्ट टर्म क्या आएगी यस बच्चे? XI। सर, 5 10 सेकंड चांदा सर, खाने। 10 + 20 कितना होता है? 30 30/2। 15 हाँ 50/2 25, 70/2 35, 90/2 45। 45 FI is given 7, 8, 8, 10 and 5, these are given सर, FI XI बच्चे। 7 5 जा 35 15 into A, थोड़ा 15 A साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये टर्म इसमें ऐड नहीं कर सकते। 25 ओके सर, एट जा 200, 35 10 जा 350 350, 5 5 जा 25, 2 22। ऐड कीजिए 10 1 कैरी 4 5 9 2 11 1 कैरी 3 3 6 2 8 प्लस। हेलो, हाँ जी एंजल। हाँ सो जी सॉरी सर, नेटवर्क इशू हो रहा है आज। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना बच्चे बाद में, ठीक है? 15 5 20 30, 8 7 15 5 20 30, 30 + A, दिस इज नाउ मीन इज गिवन 24। मीन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 24 24। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था तरन? सिग्मा इनटू FI XI इंटू नहीं अपॉन बोलते यहाँ पे, सिग्मा इंटू नहीं होता बेटा, इंटू कभी नहीं सिग्मा। ओके बोलना। सिग्मा एफ सर, आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा FI सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 810 10 + 15 ए अपॉन 30 + A इज 24। कुछ नहीं है, नीचे 1 डाल सकते हैं। नाउ यस 6th क्लास में से करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, है ना? यस क्रॉस मल्टीप्लाई 24 3 जार 72 प्लस 24
ए वाली टर्म्स एक साइड पे, 15A - 24A, 720 - 810. व्हाट वी गेट हियर? -9A. हियर वी गेट -90. नहीं, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, 10. 10. वेरी, बिल्कुल सही. देखो, किसी भी सम में ना कुछ नहीं होता, जो दिया है पहले वो लिख लो. ये चीज दी हुई थी, मीन दिया यस. हुआ है, तो हमें एक्स आई फाइंड करना ही पड़ेगा. एफ आई गिवेन है, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, एट दैट टाइम वी विल ऑलवेज यूज डायरेक्ट मेथड. तो सिग्मा एक्स बार 24, सिग्मा एक्स बार इज सिग्मा एफ आई, एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. इसकी वैल्यू बेटा ये रही, ये ऊपर आ गया, नीचे 30+ ये आ गया, इज 24. बस सॉल्व कर दिया. समझे बच्चे? पक्का? यस सर, यस सर. नाउ द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, अल्फिशा नहीं, माशा से पूछते हैं. माशा, यस सर. अल्फिशा का तो दांत टूटा हुआ है ना, अल्फिशा सही हो गया कि नहीं हुआ? नहीं बोलेगी. मौन व्रत रखा हुआ है उसने, साइलेंट. सॉरी, 22. द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम इन डेज ऑफ 100 इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स ऑफ अ सर्टन. फाइंड द मीन लाइफ स्पैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब. अब हमें लेस देन टेबल गिवन, लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 150, लेस देन 200, लेस देन 250, लेस देन 300. जब भी हमें लेस देन टेबल दिया होता है बच्चे, तो हमें क्या दिया होगा? क्लास इंटरवल फाइंड और करना एक कौन से 0 to 50. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी वो. हाँ सर. जब, समझे? नॉट फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या दिया होगा? कम्युलेटिव. 8, 23, कल भी हमने एक सम किया था ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, याद है? क्या यस सर. सर खा रही है? कुछ नहीं खा रही सर, गला बैठा है मेरा. क्यों शोर कौन मचाया था? है टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स? ऐसे कैसे हो गए टॉन्सिल्स? ठंडा पानी. यार देखो, 50, 100 ये है ना बच्चे, तो ये लेस देन टेबल को पहले कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में. 50-50 का गैप है, लेस देन 50 का मतलब 0 to 50, 0 to 50. लेस देन 100 0 to 100, बट फिफ्टी टू हमें चाहिए हंड्रेड 50, बट हमें 50 to 100 चाहिए. लेस देन 100 का मीनिंग यहाँ पे 0 to 100 है, बट वी वांट 50 to 100. फिर लेस देन 150, 100 टू हंड्रेड वन टू वन फिफ्टी फिफ्टी फिर 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300. दी वैल्यू यहाँ पे बच्चे, हम एक्स आई पहले निकाल लेते हैं, एफ आई तो बाद में निकालेंगे. एक्स आई क्या आएगा माशा? 25, 75, 75 + 50, 50. और जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? चलो बताइए, पहली वैल्यू, 23, 8, सॉरी सॉरी सर, 8 8 8 फर्स्ट आई. वैल्यू सेम रहती है. कल भी बताया था, कल एक सम यस किया था हमने, 8 सम याद करो, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था. फर्स्ट टर्म सेम रही थी, सेकंड दिस माइनस दिस, तो सेकंड टर्म 23 - 8, 15 आ जाएगा. 55 - 23, 5 - 32, 32 आ जाएगा. फिर 11 - 5, 6, 26 आ जाएगा. 93 - 81, 12 आ जाएगा. दिस माइनस दिस, 7 आ जाएगा. तो टोटल 100 आ जाएगा. कल किसने पूछा था? अवंतिका, तूने पूछा था ना कि 100 कैसे लिख दिया? किसने नो सर. बोला था कल? मुझे याद नहीं आ रहा, कल किसने बोला था ना कि सीधा कैसे लिख दिया? एंजल नहीं बोला था? हाँ
पता चल गया मैंने 100 सीधा कैसे लिखा है एंजल? हाँ आज पता चल गया। आज पता चल गया, क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू होगी ना, इसका सम वही आएगा, चेक भी कर लो चाहे आपने सेम। ही बोला था। बच्चे मैं ना मैसेज चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ फिर, अगर आपने ऐसी बातें करनी है। आदित्या, आदित्या, या क्लास से बाहर निकाल दिया करूंगा, है ना, जो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है आदित्या, निकाल दूं बाहर? देखा, बोलता नहीं है बिल्कुल भी, शांत हो गया मत बिल्कुल। निकालो सर, मत निकालो हाँ सर। तेरे साथ कर रहा होगा, पक्की बात है बातें। हाँ नहीं सर, हाँ सभी उसने नहीं कुछ लिखा नहीं सर, नहीं करा है, क्या? सभी उसने कुछ नहीं लिखा था, ये तो बस वो स्टार्ट ही हाँ करा है। स्टडी कर रहा था, ठीक है, हाँ ये पक्के। सर, ये ना चोर की दाढ़ी में देखो। तिनका, चोर की दाढ़ी अरे में नहीं, तिनका कहावत सुनी है ना, वो वाला हाँ वहावत है सर, आखिर। फटाफट बोल, फटाक नहीं ना सर, निकालो। हाँ जी नहीं। FI। अब इसके बाद तो बच्चे कर सकते हो ना, कोई मर्जी मेथड यूज कर लेना, ओके सर, यस यू कैन डू नाउ, हो सर, जाएगा। यशवी, यस सर, यस यशवी, सर, यस सर, तरन, तरन, हो जाएगा बच्चे? तरन कहाँ चली गई? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। तनु, संस्कृति, समृद्धि, यस सर, प्रगति, यस श्योर? सर, रुको यस ना यार, पता नहीं कॉल ना, रात को एक महाशय जी 11 बजे कॉल कर रही है। चलो समझ आ गया बच्चे, ये यस सर, कोई ऐसा यस स्टूडेंट जो सर, ना कर पाए बेटा ये? सर लास्ट वाला सम भी हो जाएगा। तो तुम बैठा क्यों है यहाँ पे, जा भाग जा। लास्ट वाला सम देखो, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम दिया है 30 to 40 वैल्यू कितनी है? 4। 40 to 50 12, 50 to 60 8, 60 to 70 3 है, मतलब यहां से टेबल बना लेंगे हम। 30 to 40 द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, बस ये 4 टर्म थी। एक्सरसाइज तो फाइंड करने ही करना है, पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर मिनट, यस जैमी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी जैमी? व्हाट यस सर, वी गेट हियर, फर्स्ट टर्म व्हाट? सर 30 + 40 इज 50/2 इज 20, सर 1 मिनट, हाँ, 30 + 40 50 होता है इसका, जेमी सॉरी का। सर, 30 + 75, 4, 5, 6, 7, 70/2, सर 1 मिनट, 1 मिनट, इतना टाइम? 35, 35, सॉरी जस्ट नाउ आई गॉट 45, 45, 55 एंड 65। 65, फ्रीक्वेंसी बच्चे हिस्टोग्राम में से फाइंड करेंगे। 30 to 40 के बीच में यहाँ पे वैल्यू बच्चे स्केल रख के देख लेना, 5 आई थिंक सो। ये व्हाइट बोर्ड किसने कर दिया? एंजल, चेंज, एंजल जी, एंजल चेंज करो, एंजल क्या कर रही है? हैंग सर पता नहीं हैंग हो रहा है, क्या हुआ है? फोन नहीं हुआ, तूने व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कर दिया। हैंग हो रहा है, मैं तो माइक्रोफोन भी ओपन नहीं कर पा रही। अब ठीक है, तो पंगे क्यों ले रही थी? हैं चल, कि जूम ऐप को वो कर रही थी मुझे नहीं एक्सप्लोर? पता चल रहा है हैंग हो रहा है। ठीक है,
फाइव, 40 to 50, 12, फिर 50 to 60 बेटा 9 है, 60 to 70 3 है। अब इसके बाद तो इजीली कर लोगे ना, फाइंड द मीन किसी भी मेथड से। श्योर? यस सर, यस यस सर, यस सर, यस सर, तो ये यस एक्सरसाइज हमारी मोर। कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, सर ये कैसे पता चलेगा कि ये हिस्टोग्राम अपने ये मीन मीडियन से आया या ग्राफ्स वाले चैप्टर से? यस बच्चे मीन के अंदर तो ग्राफ आएगा ही नहीं, ठीक सर, है? मीडियन उन्होंने बोला होगा बाय ग्राफ और बाय डायरेक्ट। अगर क्लास इंटरवल में मीडियन फाइंड करने के लिए आता है तो ग्राफ यूज होगा, ठीक है? तो एक बात पूछनी थी सर, जितनी मर्जी पूछ। अगर मुझे बोर्ड्स में 80 में से 60 लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा मैथ्स में? सर तो मेरी क्लास छोड़ दे। 100 का तो सोच ही नहीं सकता, इतना कम टाइम है। नहीं यार, क्यों नहीं आ सकते? मैं बैठा हूं ना तेरे साथ, हैं? लव, सर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं। चलो फिर तुम क्लास, कल से कल क्लास मत लगाना अगर 60 ही लेनी है तो, समझे? मैंने अपना रिकॉर्डिंग खराब करना। तो 100 का बता दीजिए, अगर 100 में 100 से का 100। बस डेली में जो काम करवा रहा हूँ वो करता रहे, डेली का डेली काम बस। हाँ जी अश्विनी। ओके सर, मेरे प्रीबोर्ड शुरू हो रहे हैं 12 से, तो मुझे कैसे प्रेप करना चाहिए? प्रीबोर्ड से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में। इतने कम टाइम में बच्चे मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तुम्हें खुद ही हाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा। यशवी, टाइम कम है ना, उसके लिए आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस मैं ये कर सकता हूँ, आपके डाउट क्लियर कर दूँ, जो भी डाउट्स होंगे टिक कर लेना, लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन सर नंबर डेली डेली दो एक्सरसाइज बनाने से हो जाएगा? दो, एक्सरसाइज से नहीं होगा, चैप्टर करना पड़ेगा डेली, क्योंकि टाइम ही नहीं है प्री बोर्ड के लिए। कितने चैप्टर्स हैं? फिर पूरी बुक सर, उसी का तो टेंशन है। दो एक्सरसाइज करने से कैसे हो जाएगा? फिर एक चैप्टर डेली का डेली करो ना, एक फिर होगा बेटा, कम से चैप्टर्स कम भी तो बड़े हैं, पांच पांच एक्सरसाइज है। करनी पड़ेंगी, ठीक ऐसे है? हाँ नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, मगर वो ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, मिड पॉइंट प्रॉब्लम वगैरह, वो सब प्रॉब्लम है। मिड पॉइंट कहाँ पे है ज्योमेट्री में? हाँ, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ अच्छा, वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो तो इजी है। देख, तो सबसे वो बड़ी प्रॉब्लम के सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी वो सब कहाँ इजी है? एंड सर्कल, सिर्फ ये दो चैप्टर संग करेंगे बेटा, बाकी में तो कुछ खास नहीं है, ठीक है? या ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है एंड सर दैट्स मेरे इट। जनवरी तक हैं प्री बोर्ड्स, तो जनवरी तक हो जाएगा अपना पूरा? हाँ जी, हो जाएगा, ठीक ओके सर, है? क्योंकि अभी तो ना न्यू स्टूडेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो करवा रहा हूँ कि घबराम ना जाएं सारे बच्चे कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर धीरे आप धीरे फ्लो में। मेंसुरेशन भी करा सकते हैं, बिकॉज आई फील कि मेंसुरेशन थोड़ा हार्ड पड़ता है जब सारी के सारे सॉलिड्स वगैरह एक साथ आ जाते हैं। सब कुछ करेंगे, भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है? अब एक काम करो, ओके सर, मुझे ना सबके चेहरे देखने हैं। मेरा तो सबने देख लिया, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सारी कर लो। हाँ जी, ये लव खाता रहता है पढ़ने के नाम पे, इसके 60 मार्क्स आ जाते हैं। हैं तरन, वेल तेरा रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दी बेटा, हो रही है।